फ्रेंड्स नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपनी किचन इंडो वेस्ट किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जो बिल्कुल अलग है परंतु बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका नाम है बटर चीज फ्लेट्स। इसे आप चाय कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं या फिर मेहमानों को कुछ नया बनाकर खिलाने की इच्छा हो तो इसे तुरंत फुरंत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। चीज फ्लेट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध, 2 कप दूध और 1 कप सूजी, नमक, मस्टर्ड पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, नींबू का रस, ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड का चूरा और थोड़ा सा मैदे का घोल, आलू पिसा हुआ पनीर, गरम मसाला, हरी मिर्च और अमचूर। तो हम सबसे पहले अब उसमें दूध डालेंगे। इस दूध में हल्का सा गर्म होने पर इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के हम इसको चलाएंगे। इसको हमें बहुत गाढ़ा बनाना है, हलवे की तरह, जैसे कड़ा हलवा होता है उसकी तरह इसे हमें बनाना है। अब ये हो चुका है, अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर यानी कि सरसों पिसी हुई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अमचूर, थोड़ा सा धनिया। इसको हम अच्छे से मिला के और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हम पहले ठंडा होने देंगे, फिर एक बर्तन में लेकर इसको अच्छे से मैश करेंगे। इसको हम अलग रख देते हैं। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने 2 आलू लिए हैं छोटे, 100 ग्राम के लगभग पनीर है, इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून नमक। हम इन सब चीज़ों को मैश कर लेंगे। हमारा सूजी का और दूध का मिक्सचर है, इसको मैंने ठंडा करने के बाद अच्छे से मैश कर लिया है। ये हमारा आलू का और पनीर का मिक्सचर है, इसमें हमने मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसके बोल बनाएंगे, इसके करीब 8 पीस बनेंगे। इसको हाथ से लेकर ऐसे गोला बनाना है और इसके अंदर ये फिलिंग थोड़ी सी गोला लेके भरना है। ये ऐसे अच्छी सी कटोरी बना के इसके अंदर फिर एक बटर, थोड़ा सा बटर रखना है। ये टिक्की जो है बटर की, छोटे छोटे पीस काट के उसको रखना है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो हमारे ये कुछ ऐसे बनेंगे। हम इसको कुछ चपटा शेप देंगे। अब हमें इसी शेप में सारे चीज फ्लेट्स बना लेने हैं। अब हमारे ये सारे चीज फ्लेट्स इस शेप में बन चुके हैं। अब हमने 1/2 कप मैदा लेकर इसे पानी से घोल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे।
हम इसको अच्छे से चलाएंगे। हमने ये इस उसमें बनाया है, ये सिर्फ इतना पतला है। ज़्यादा पतला रखेंगे तो इस पर एक कोट मैदा का नहीं चढ़ेगा, और ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो बहुत मोटी लेयर हो जाएगी। ये हमने ब्रेड का चूरा है, हम पहले इसको चीज़ फ्लेट्स को इसमें भी डुबोएंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर इसको इसमें घुमा देंगे। फिर हम इधर हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, हम इसको एक एक करके ऐसे बना लेंगे। गैस को थोड़ा सिम कर देंगे। ये अब हमारे ब्राउन हो चुके हैं, सिख गए हैं। अब ये आप एक काम कर सकते हैं, आप मैंने तो इसको डीप फ्राई किया है, आप एक फ्राई पैन पर थोड़ा तेल लगाकर टिक्की की तरह इनको सेक भी सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा दबाना नहीं है। अब ये हमारे सारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। ये टोमेटो सॉस है, आप धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, किसी भी चीज़ से इनको खा सकते हैं।